बंगाल में दंगाइयों के बढ़ते हौसलों और मुस्लिम इलाकों में रामनवमी की शोभा यात्रा के नाम पर हाल में हुए भगवा जमातों के हमले की घटना के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एनजीओ आवाज फाउंडेशन ने आज जुमे की नमाज के बाद कोलकाता के पार्क सर्कस के 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर एक जलसे का एहतमाम किया था। ये जलसा मुसलमानों पर हो रहे हमलों और भगवा संगठनों की बढ़ रही गुंडाबर्दी को रोकने में सरकार की नाकामी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए बुलाया गया था। मुसलमानों पर भगवा जमातों के अत्याचार के खिलाफ बुलाया गया था, लेकिन जिनके लिए ये जलसा बुलाया गया था वही इस जलसे से दूर रहे। जिन मुसलमानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए इस जलसे का एहतमाम किया गया था वही मुसलमान ही इस जलसे से दूर रहे। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर कोई भी मुसलमान इस जलसे में शामिल नहीं हुआ। हालांकि यही मुसलमान आम तौर पर यह शिकायत करते रहते हैं कि कोई उनकी आवाज नहीं उठाता, कोई उन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ रास्ते पर नहीं उतरता। लेकिन जब एक छोटे से एनजीओ आवाज फाउंडेशन ने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए मुसलमानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की तो खुद मुसलमानों ने ही कन्नी काट लिया। जिस जगह पर यह जलसा हुआ वहां पर आम तौर पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज जैसे वहां सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे किसी ने लोगों को इस जलसे में शामिल नहीं होने के लिए दबाव डाला था, जिसकी वजह से लोग चाहकर भी जलसे में शामिल नहीं हुए। जितने लोग वहां मौजूद थे उससे तो ज्यादा पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर लगाए गए थे, जिसका साफ अंदाजा है कि पुलिस को भी पता था कि आवाज फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में काफी लोग शामिल होंगे, इसलिए किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर तैनात किया गया था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस का अनुमान भी गलत साबित हुआ। यही प्रोग्राम अगर किसी सियासी जमात का होता तो बड़ी तादाद में मुसलमान उसमें शामिल होते। सियासी पार्टियों के जाल में पूरी तरह फंस चुका बंगाल का मुसलमान अपने नेता को खुश करने के लिए हर हाल में उस प्रोग्राम में शामिल होता, लेकिन जब खुद उसके वजूद और हक की आवाज बुलंद करने के लिए एक गैर सरकारी अदारे ने उन्हें आवाज दी तो कन्नी काट गए, शामिल नहीं हुए। शायद उन्हें डर है कि अगर आवाज फाउंडेशन के प्रोग्राम में शामिल होंगे तो उनके सियासी आका उनसे नाराज हो जाएंगे। कोलकाता के मुस्लिम इलाकों में इन दिनों डिजिटल मीडिया की भरमार है, जो सियासी प्रोग्राम से लेकर शादी सालगिरह तक के प्रोग्राम कवर करते हैं, लेकिन ज्यादातर डिजिटल मीडिया आवाज फाउंडेशन के इस प्रोग्राम से दूर ही रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से उन्हें दक्षिणा के तौर पर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बात और, खुद आवाज फाउंडेशन के मन से ऐसी आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई जिससे कुछ देर के लिए यह एहसास होने लगा था कि इस गैर सरकारी अदारे में भी सरकारी लोग घुस आए हैं, जिन्होंने मौका मिलते ही मुसलमानों की आवाज बुलंद करने के लिए मुनाकिद किए गए इस प्रोग्राम को फ्लॉप करने की पूरी कोशिश की। लोग कैसे दिखेंगे भाई, लोग कैसे दिखेंगे? लोग दिखने के लिए तो आपको अफ्तार पार्टी करना चाहिए था, तो अफ्तार पार्टी में या बिरयानी का आयोजन करना चाहिए था। आप थोड़ा बिरयानी का आयोजन करिए, देखिए लोग भीड़ लगते कि नहीं लगते। ये मैं मुसलमान होकर के ये बहुत बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब हक की बात आती है तो मुसलमान तब भी अपने घरों में सोए रहते हैं, और रोज़ा का वक्त है, ये मैं समझता हूँ कि जुमे का दिन है और तपिश है धूप में, तो ये मेरे लिए और आपके लिए भी और हर सब के लिए। और इस रास्ते से हज़ारों लाखों लोग पिछले घंटों में गुजर गए, लेकिन उनके रुकने के लिए अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दिए, तो कैसे होगा? आप समझिए, आप बिरयानी का पैकेट बांटिए, देखिए भीड़ लग जाएगा। तृणमूल का तो रैली में भीड़ लगेगा ही, तो वहाँ तो चीनी भी मिल रहा है, इलीगल छत्ता बनाने भी मिल रहा है, हर काम करने मिल रहा है, फायदा पानी चल रहा है। बात को आप समझिए, वहाँ रोजी रोटी का मामला है, तो वहाँ तो जाएंगे, कान के अलावा वक्त पे भी बुलाएंगे ना, तो भूखे पैर चले जाएंगे, वो भूखे चले जाएंगे।